प्यारे विद्यार्थियों, हमने अभी तक आधुनिक काल में भारतीयों में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का अध्ययन किया था। आज हम आधुनिक भारत में राजनीतिक संघों का प्रसार व जो नए संगठन भारत में बने उसका अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं कि भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कई ऐसे राजनीतिक कार्य, कई ऐसी नीतियां, कई ऐसे कानून ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में लागू किए गए, जिसकी वजह से भारतीयों में एक कुछ नई राजनीतिक शक्तियों का जन्म हुआ। इसका कारण ब्रिटिश सरकार की प्रत्यक्ष नीतियां या उनके द्वारा जो किए गए कार्य थे उसके प्रतिक्रिया स्वरूप इस तरह की राजनीतिक शक्तियां भारत में बनती, जिन्होंने कि भारतीय लोगों में राजनीतिक चेतना का प्रचार प्रसार किया। अब हम देखते हैं कि कई ऐसे भारतीय थे जो पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य दर्शन, वहां की सभ्यता उनसे प्रभावित होकर के उन्होंने भारत में भी आधुनिक राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार ही नहीं किया, अपितु भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने में सफल हुए। वो उसी वर्ग के द्वारा भारत में अलग अलग जगह पर कुछ ऐसे राजनीतिक संगठन स्थापित किए जिनके माध्यम से भारतीय लोगों की समस्याओं को ब्रिटिश सरकार के सम्मुख रखा। वो अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तो संगठन के नेतृत्व में कार्य करने लगे। ऐसा हम सबसे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी में जो राजनीतिक संगठन बनते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगर बंगाल प्रेसिडेंसी में हम राजनीतिक चेतना की बात करते हैं तो बंगाल के अंदर सबसे पहले व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय। यह भारत में राजनीतिक आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं, यहाँ तक कि इन्हें हम आधुनिक भारत का निर्माता भी कहते हैं। यह राजा राम मोहन राय पाश्चात्य विचारों से, पाश्चात्य साहित्य से काफी प्रभावित थे, साथ ही भारतीय परंपरा, भारतीय रीति रिवाज और भारत के गौरवशाली इतिहास में भी विश्वास रखते थे। लेकिन इन पाश्चात्य विचारों से प्रभावित होने के बाद उन्होंने भारत को आधुनिक राजनीतिक विचारों से अवगत करवाया। वो भारत में फैली सामाजिक और धार्मिक बुराइयों को दूर करने के लिए भी उन्होंने ब्रह्म समाज के नेतृत्व में या ब्रह्म समाज के द्वारा इस कार्य को पूर्ण करने का प्रयास किया। हम देखते हैं कि वह कितने संवैधानिक कार्यों में विश्वास करते थे। उसका ये प्रमाण है कि 1821 ईस्वी में स्पेन में जब संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होती है तब वे उत्सव भारत में मनाते हैं। वे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीयों की शिकायतों की ओर अंग्रेजों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने भारतीय लोगों के लिए समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, सिविल न्यायालयों में भारतीयों की नियुक्ति तथा ऊंचे पदों में भारतीयों की नियुक्ति आदि की मांग अंग्रेज सरकार के समक्ष रखी। हम देखते हैं कि उन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप भारत में सती प्रथा का कानून बनता है, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का अधिनियम पारित होता है, वह 1833 का जो चार्टर एक्ट बनता है उसमें कुछ उदारवादी बातें रखी गई थी, वह भी राजा राम मोहन राय के प्रयासों के परिणाम स्वरूप संभव हो पाया। अतः भारत में राजनीतिक विचारों को भारतीयों में जागृत कराने के पीछे जो सबसे बड़ी और पहली भूमिका थी वो राजा राम मोहन राय की थी। लेकिन यदि किसी राजनीतिक संगठन की हम बात करते हैं तो यह पहला राजनीतिक संगठन जो भारत में बना वह था बंग भाषा प्रकाशक सभा। 1836 ईस्वी में यह संगठन बना। यह भारत का पहला राजनीतिक संगठन था। यह जो संगठन था वो सरकार की नीतियों से संबंधित मामलों की समीक्षा करते थे और उनके सुधार के लिए सरकार को प्रार्थना पत्र भेजते थे। मतलब यह संगठन ये देखता था
कि जो ब्रिटिश सरकार के जो कानून है, उनकी जो नीतियां हैं, उसका भारतीय लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, एवं उनके ब्रिटिश सरकार के जो कार्य हैं उनसे भारतीयों की जो समस्या है उनको अंग्रेज सरकार को सुधार के लिए वे प्रार्थना पत्र भी भेजते थे। ऐसा दूसरा जो संगठन था वो था लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसको कि सामान्यतया जमींदारी एसोसिएशन कहते हैं। जमींदारी एसोसिएशन का जो गठन था वो जुलाई 1838 ईस्वी में हुआ था। इसे भूमिपतियों की सभा भी कहते हैं। यह पहला ऐसा संगठन था जिसने संगठित राजनीतिक चेष्टा का शुभारंभ किया। वह अपनी शिकायतों के लिए के निवारण के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। मतलब जो इससे पूर्व जो संगठन बना था बंग भाषा प्रकाशक सभा, वह संगठन राजनीतिक संगठन जरूर था, लेकिन उसके द्वारा जो कार्य किए गए थे वो संवैधानिक दायरे में नहीं थे। संवैधानिक नियम कानूनों के अनुसार उन्होंने अपनी शिकायतों को सरकार के समक्ष नहीं रखा। अतः हम ये कह सकते हैं कि पहला ऐसा राजनीतिक संगठन जिसने संवैधानिक उपचारों का प्रयोग करते हुए अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा, तो वह संगठन था जमींदारी एसोसिएशन। इस संगठन में अधिकतर लोग भूमिपति थे और उन्होंने अपनी समस्याओं को ही सरकार के समक्ष रखा था। यह जमींदारी एसोसिएशन जो था वो ब्रिटेन के अंदर एडम्स के द्वारा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के द्वारा किए जा रहे कार्यों से प्रभावित था, वो उनसे प्रेरणा प्राप्त करता था। दूसरा संगठन था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। 1843 में स्थापित इस संस्था का उद्देश्य अंग्रेजों के अधीन भारत के लोगों के वास्तविक अवस्था का प्रयोग करना था, जिससे जनता की उन्नति हो व सभी वर्गों के लोगों के हितों की बात हो सके। यह जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी, इसने यह बात तो ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी कि उनके द्वारा जो नीतिगत फैसले या कानूनन जो फैसले लिए जा रहे हैं या जो कार्य किए जा रहे हैं उससे जनता पर वास्तविक प्रभाव क्या पड़ रहा है, वह जनता की उन्नति किस प्रकार हो, उनका हित किस प्रकार हो, उसके लिए वे सुझाव वो अपनी मांगों को प्रार्थना पत्र के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखते थे। यह जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी यह किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं थी, अपितु तो सभी वर्गों के हितों की बात करती थी। अब जो जमींदारी एसोसिएशन था वो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी, इनके जो अपने उद्देश्य थे वे जब पूरे न हो पाए, उनकी मांगों को सरकार ने ध्यान न दिया, तब ये दोनों संगठन मिल करके एक नए संगठन बनाते हैं जिसका नाम होता है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। यह संगठन कई ऐसी मांगों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखता है और जब वो 1853 का चार्टर एक्ट बनने वाला होता है उस सब उससे पूर्व यह प्रार्थना पत्रों के माध्यम से अपनी मांगे ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखती है, जिसमें कि भारतीयों के लिए ऊंचे पद तथा एक लोकप्रिय विधानसभा का गठन तथा न्यायिक और प्रेसिडेंसी जो न्यायालय है, न्यायिक और मजिस्ट्रेट के जो न्यायालय है उनको अलग अलग किया जाए तथा कई ऐसे कर थे जो कि भारतीयों के ऊपर एक बोझ के समान थे, उन करों में कटौती की जाए, आदि कई ऐसी मांगे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी थी, जिसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसमें कुछ ऐसी बातें रखी उदार बातें रखी गई थी जो कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के द्वारा अपनी मांग में रखी थी। उसके बाद बंगाल के अंदर एक नया संगठन बनता है जो कि इंडियन लीग के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना बाबू शिशिर कुमार घोष के द्वारा सितंबर 1875 में की जाती है। इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य था वो भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाना और राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना
करना था, क्योंकि जब तक जनता या भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग जिसमें की राजनीतिक शिक्षा का अभाव था, यदि उसकी पूर्ति न हो पाती तो भारत में कोई बड़ा संगठन खड़ा नहीं हो सकता था, या अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार से मंगवाने के लिए कोई न कोई ऐसा बड़े संगठन की आवश्यकता थी, और उसके लिए भारतीयों में राजनीतिक चेतना की, राजनीतिक शिक्षा की आवश्यकता थी, और वह कार्य इंडियन लीग के नेतृत्व में हुआ। बंगाल के अंदर जो सबसे बड़ा और भारत का पहला ऐसा बड़ा संगठन जो बना वह था इंडियन एसोसिएशन। 26 जुलाई 1876 ईस्वी को इंडियन लीग के स्थान पर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। यह जो संगठन था इसका उद्देश्य था कि सर्व साधारण को इससे जोड़ना। इस हेतु उन्होंने पूर्व के जो संगठन थे जिसमें कि 50 रुपया वार्षिक शुल्क सदस्यता के लिए था, उसके स्थान पर उन्होंने 5 रुपया वार्षिक शुल्क सदस्यता का रखा, जिसके पीछे उनका उद्देश्य ये था कि अधिक से अधिक लोगों को इस संगठन से जोड़ा जाए, वो भारत में एक राजनीतिक जागृति का माहौल बनाया जाए। जब इंडियन एसोसिएशन का गठन हुआ 1876 ईस्वी में, उसी समय भारत में लॉर्ड लिटन जो कि वायसराय के पद पर कार्यरत था, उसके द्वारा कई ऐसे कार्य किए गए जो कि भारतीयों के लिए समस्या पैदा करने वाले थे या भारतीयों के खिलाफ थे। उसमें से एक कार्य था सिविल सेवा परीक्षा की जो आयु थी उसको 21 वर्ष के स्थान पर 19 वर्ष किया गया, ताकि भारतीय लोग इस परीक्षा में बैठ ही नहीं पाए, वह सिविल सेवा में चयनित न हो पाए। इसके विरुद्ध सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में पूरे भारत में एक आंदोलन खड़ा किया जाता है। वह इस आंदोलन का जो मुख्य फायदा यही हुआ कि भारतीय लोगों में राजनीतिक चेतना जागृत हुई, वह धीरे धीरे आने वाले समय में यही जो राजनीतिक चेतना थी वो एक बहुत बड़े संगठन के रूप में भारत में जन्म होता है उस संगठन का, जिसके बारे में हम आगामी वीडियो में अध्ययन करेंगे।